गुरु कृपा का इससे बड़ा अनुभव किसी के लिए और क्या हो सकता है। अभी कुछ महीने पहले जब मैं अमेरिका गया था तो वहां अमेरिका ने भारत को 150 से ज्यादा जो भारत की ऐतिहासिक अमानत थी, जो कोई न कोई चोरी करके ले गया था, वो 150 से ज्यादा ऐतिहासिक वस्तुएं हम वापस लाने में सफल हुए हैं। इसमें से एक पेश कब्ज यानी छोटी तलवार भी है, जिस पर फारसी में गुरु गोविंद सिंह जी का नाम लिखा है। यानी ये वापस लाने का सौभाग्य भी हमारी ही सरकार को मिला। मुझे याद है कि जामनगर में 2 साल पहले जो 700 बेड का आधुनिक अस्पताल बनाया गया है वो भी गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर है। और अभी हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई इसका विस्तार से वर्णन भी कर रहे थे। वैसे ये गुजरात के लिए हमेशा गौरव की बात रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना में अहम भूमिका निभाने वाले पंज प्यारों में चौथे गुरसिख भाई मोकम सिंह जी गुजरात के ही थे। देवभूमि द्वारका में उनकी स्मृति में गुरुद्वारा बेड द्वारका भाई मोहकम सिंह का निर्माण हुआ है। मुझे बताया गया है कि गुजरात सरकार ने लखपत साहिब गुरुद्वारा और गुरुद्वारा बेड द्वारका के विकास कार्यों में बढ़ोतरी में भी पूरा सहयोग कर रही है, आर्थिक सहयोग भी कर रही है। साथियों, गुरु नानक देव जी ने अपने संवादों में कहा है, गुर प्रसादी तनु हरि लाभ है, मिटे अज्ञान होई उजियारा। अर्थात गुरु के प्रसाद से ही हरि लाभ होता है, यानी ईश्वर की प्राप्ति होती है और अहम का नाश होकर प्रकाश फैलता है। हमारे सिख गुरुओं ने भारतीय समाज को हमेशा इसी प्रकाश से भरने का काम किया है। आप कल्पना करिए, जब हमारे देश में गुरु नानक देव जी ने अवतार लिया था, तमाम विडंबनाओं और रूढ़ियों में जूझते समाज की उस समय स्थिति क्या थी? बाहरी हमले और अत्याचार उस समय भारत का मनोबल तोड़ रहे थे। जो भारत विश्व का भौतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन करता था वो स्वयं संकट में था। जब हम इन परिस्थितियों को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि उस कालखंड में अगर गुरु नानक देव जी ने अपना प्रकाश न फैलाया होता तो क्या होता। गुरु नानक देव जी और उनके बाद हमारे अलग अलग गुरुओं ने भारत की चेतना को तो प्रज्वलित रखा ही, भारत को भी सुरक्षित रखने का मार्ग बनाया। आप देखिए, जब देश जात पात और मत मतांतर के नाम पर कमजोर पड़ रहा था, तब गुरु नानक देव जी ने कहा था, जाणहु ज्योति न पुछु जाती, आगे जात न है। अर्थात
सभी में भगवान के प्रकाश को देखें, उसे पहचाने, किसी की जाति न पूछिए, क्योंकि जाति से किसी की पहचान नहीं होती, न जीवन के बाद की यात्रा में किसी की कोई जाति होती है। इसी तरह गुरु अर्जुन देव जी ने पूरे देश के संतों के सद्विचारों को पिरोया और पूरे देश को भी एकता के सूत्र में जोड़ दिया। गुरु हरकिशन जी ने आस्था को भारत की पहचान के साथ जोड़ा। दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहब में उन्होंने दुखी लोगों का रोग निवारण कर मानवता का जो रास्ता दिखाया था, वो आज भी हर सिख और हर भारत के वासी के लिए प्रेरणा है। कोरोना के कठिन समय में हमारे गुरुद्वारों ने जिस तरह सेवा की जिम्मेदारी उठाई, वो गुरु साहब की कृपा और उनके आदर्शों का ही प्रतीक है। यानी एक तरह से हर गुरु ने अपने अपने समय में देश को जैसी जरूरत थी वैसा नेतृत्व दिया, हमारी पीढ़ियों का पथ प्रदर्शन किया। साथियों, हमारे गुरुओं का योगदान केवल समाज और आध्यात्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारा राष्ट्र, राष्ट्र का चिंतन, राष्ट्र की आस्था और अखंडता अगर आज सुरक्षित है, तो उसके मूल में भी सिख गुरुओं की महान तपस्या है। गुरु नानक देव जी के समय से ही आप देखिए, जब विदेशी आक्रांता तलवार के दम पर भारत की सत्ता और संपदा को हथियाने में लगे थे, तब गुरु नानक देव जी ने कहा था, पाप की जंज लई काबल हो धाया, जोरी मंगे दानुवे लालो। यानी पाप और जुल्म की तलवार लेकर बाबर काबुल से आया है और जोर जुल्म से भारत की हुकूमत का कन्यादान मांग रहा है। ये गुरु नानक देव जी की स्पष्टता थी, ये गुरु नानक देव जी की दृष्टि थी। उन्होंने ये भी कहा था, खुरासान खसमाना